प्रदेश के भजनलाल सरकार का फोकस राजधानी के साथ ही दूसरे शहरों पर भी है। इन शहरों में भी लोगों को यातायात जाम में मुक्ति दिलाने, ड्रेनेज, सड़क निर्माण और पर्यावरण सुधार से जुड़े प्रोजेक्ट्स का खाका तैयार किया गया है। प्रदेश के पूर्ण बजट में आने के बाद इनमें से कई प्रोजेक्ट्स पर जल्द ही काम शुरू किया जाएगा। क्या है पूरा मामला जानने के लिए देखिए ये स्पेशल रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव के परिणाम 4 जून को आने वाले हैं। इसके बाद उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी प्रदेश का पूर्ण बजट पेश करेंगी। बजट के लिए जयपुर सहित कई शहरों के विकास के लिए प्रस्ताव तैयार किए गए हैं। जयपुर विकास प्राधिकरण के अलावा प्रदेश भर के अन्य विकास प्राधिकरण और नगर सुधार न्यासों ने अपने अपने क्षेत्र के लिए विभिन्न प्रोजेक्ट्स प्रस्तावित किए हैं। JDA सहित इन सभी निकायों ने करीब 3,000 करोड़ रुपए की लागत के प्रोजेक्ट्स प्रस्तावित किए हैं। इनमें से अकेले JDA के प्रोजेक्ट्स की लागत करीब 2,400 करोड़ रुपए है, जबकि शेष शहरों के प्रोजेक्ट्स की लागत करीब 600 करोड़ रुपए है। यातायात सुधार और सड़क निर्माण के लिहाज से किस शहर में क्या प्रोजेक्ट प्रस्तावित किया गया है? यातायात सुधार सड़क निर्माण के प्रोजेक्ट, उदयपुर में देबारी चौराहे तक 125 करोड़ रुपए की लागत से एलिवेटेड रोड प्रस्तावित है। पारस तिराहे पर 36 करोड़ 16 लाख रुपए की लागत से फ्लाईओवर प्रस्तावित है। जोधपुर में कई जगहों पर 5 करोड़ रुपए की लागत से ट्रैफिक लाइट सॉल्यूशन कार्य प्रस्तावित है। पाली रोड में शताब्दी सर्किल पर 25 करोड़ रुपए की लागत से ट्रांसपोर्ट हब विकसित होगा। कायलाना झील के चारों तरफ 60 करोड़ रुपए से सड़क निर्माण कार्य होगा। रामराज नगर से राजीव गांधी नगर वाया NRI कॉलोनी को जोड़ने के लिए 10 करोड़ रुपए से सड़क बनेगी। अजमेर में पृथ्वीराज नगर योजना में 7 करोड़ रुपए की लागत से सड़क बनेगी। पुष्कर में सूरजकुंड योजना में 4 करोड़ 80 लाख रुपए की लागत से 3.5 किलोमीटर सड़क निर्माण होगा। उदयपुर में बड़गांव से ग्राम कविता हाईवे 76 तक 100 फीट चौड़ी सड़क के लिए 43 करोड़ रुपए। उदयपुर विकास प्राधिकरण की पेरीफेरी के कई गांवों के अलावा हल्दी घाटी, माउंट आबू, पिंडवाड़ा, जोधपुर के क्षेत्रों में आवाजाही से पर्यटकों और 1.5 लाख की आबादी लाभान्वित होगी। उदयपुर में जड़ाव नर्सरी से कलडवास तिराहे तक 38 करोड़ रुपए से सड़क चौड़ी होगी। भरतपुर UIT की योजना संख्या 13 में 3.95 करोड़ रुपए से WBM सड़क निर्माण होगा। SPZ योजना की 3 करोड़ रुपए की लागत से मुख्य सड़क का सौंदर्यीकरण होगा। जैसलमेर के सिविल एयरपोर्ट से समवाया ग्राम जिवाई तक 4.50 करोड़ रुपए से सड़क बनेगी। जैसलमेर बाड़मेर से म्याजलार सड़क 8 करोड़ रुपए से बनेगी। सवाई माधोपुर में विवेकानंद मार्केट योजना में 1.5 करोड़ रुपए से सड़क, नाली, फुटपाथ निर्माण होगा। कुतलपुरा आवासीय योजना में 3 करोड़ की लागत से सड़क, पार्क और सामुदायिक भवन बनेगा। अजमेर में नसीराबाद रोड से अर्जुन लाल सेठ नगर योजना तक 3.90 करोड़ रुपए की लागत से सड़क बनेगी। श्री गंगानगर में सूरतगढ़ रोड पर 3 करोड़ रुपए की लागत से नाला निर्माण होगा। हनुमानगढ़ रोड पर 6.70 करोड़ रुपए की लागत से नाला निर्माण होगा। प्रदेश के शहरों में शहरी आबादी के लिए ग्रीन लंग्स विकसित करने के कार्य भी प्रस्तावित किए गए हैं। साथ ही कन्वेंशन सेंटर और स्पोर्ट्स स्टेडियम से संबंधित कार्यों की भी योजना तैयार की गई है। शहरों में प्रस्तावित कार्य, जोधपुर में सुंदर बालाजी पहाड़ पर 10 करोड़ रुपए की लागत से सनसेट पॉइंट बनेगा। विवेक विहार योजना की सेक्टर जी में 10 करोड़ रुपए की लागत से सेंट्रल पार्क में विकास कार्य होगा। उदयपुर के फतेह सागर में नेहरू गार्डन द्वीप में 15 करोड़ रुपए की लागत से सौंदर्यीकरण होगा। अलवर में 4 करोड़ रुपए की लागत से मोती डूंगरी का सौंदर्यीकरण होगा। भरतपुर के लोहागढ़ किले में 2.60 करोड़ रुपए की लागत से पार्किंग, पार्क और पाथवे बनेगा। भीलवाड़ा में पटेल नगर विस्तार योजना में 7 करोड़ रुपए की लागत से महात्मा गांधी नगर वन विकसित होगा। सीकर में राजस्व ग्राम गोकुलपुरा के खसरा नंबर 423 में 4 करोड़ रुपए से पार्क बनेगा। जोधपुर में गणेश मंदिर रातानाड़ा के पास 5 करोड़ रुपए की लागत से विकास कार्य होंगे।
भरतपुर में गिरिराज कैनाल का 45 करोड़ रुपए की लागत से पुनरुद्धार कार्य होगा। भीलवाड़ा की मानसरोवर झील का 12 करोड़ रुपए की लागत से विकास होगा। आरसी व्यास योजना में 9 करोड़ रुपए लागत से कन्वेंशन सेंटर बनेगा। पाली में राजकीय बांगड़ विद्यालय में 3 करोड़ रुपए की लागत से स्पोर्ट्स स्टेडियम बनेगा। प्रदेश की भजनलाल सरकार ने शहरों के विकास और सौंदर्यीकरण की पूरी तैयारी कर ली है। लोकसभा चुनाव की आचार संहिता हटने के बाद इन विकास परियोजनाओं पर काम शुरू हो जाएगा। अभिषेक श्रीवास्तव, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर।